हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ 12 बजे आज। वैसे तो गुड आफ्टरनून हो चुकी है, बट मैंने गुड मॉर्निंग ही बोला है। और ये मेरा नया ब्लॉग है। आज सुबह सुबह घर पे आ गई परेशानी, तो हमको बुलाना पड़ा प्लम्बर को। प्लम्बर आया हुआ है, भैया लगे हुए हैं, दोनों दो भाई आए हैं, दोनों के दोनों लगे हुए हैं अपना अपना काम करने में। ये भैया लग रहे हुए हैं अपना काम करने में, प्लम्बर भैया हैं। प्रीति बैठी हुई है नाखूनों को देखती हुई। ये भैया भी यहाँ लगे हुए हैं, दोनों के दोनों अपना अपना काम करने में। हे गाइस, टुंटियाँ हो गई हैं सही, भैया प्लम्बर भी हो गए हैं फारिक। अब इनको चाय पिलाते हैं और फिर करते हैं रवाना इनको यहाँ से, फिर अपन भी निकलते हैं यहाँ से। हे गाइस, 4:15 बजे घर बैठे हैं और प्रीति लड़ रही है, कह रही है आप सारा दिन फोन चलाते रहते हो। बताओ, फोन का काम करेंगे तो फोन ही चलाएंगे ना। नहीं, आप तो सारा दिन रील्स देखते रहते हो, ये क्या होता है रील्स देखना। तो गाइस, कुछ देखेंगे तो ही कुछ सीखेंगे ना। अब आप इसको कौन समझाए, कुछ देखेंगे तो ही कुछ नया सीखेंगे हम। शौर्य बैठा हुआ है, खाना खाने में व्यस्त है अपना। हम फ्री हो चुके हैं खाना पीना खा के, वॉक कर लिए हमने और अब आराम करने में बिजी हैं। हम थोड़ी देर आराम कर रहे हैं बस। गाइस, सोते नहीं, अब सोना कर दिया है बंद और बैठे हुए हैं, बढ़िया टॉक कर रहे हैं, वॉक कर लिए है। प्रीति नाराज हो रही है मेरे से, क्या करें, हो जाता है कभी कभी, नाराज भी होती है। तो गाइस, शौर्य हो चुका है रेडी। शौर्य कहाँ जा रहा है? शौर्य ट्यूशन के लिए रेडी, बाय। अच्छा, नाटक में इतना बिजी हो गया कि पापा को बाय भी नहीं कर पा रहा है। बाय। नाटक जाने वो नहीं है, सीन नाटक का जाने की आलस हो रही है इसको। नहीं, जाता है अपनी मर्जी से, जाता है खुश होके तो जाता है पढ़ने के लिए। हे गाइस, आज है रोज डे। मुझे तो याद भी नहीं था, मुझे अभी अभी पता चला कि आज है रोज डे, तो मैं आ गया फटाफट रोज लेने के लिए। प्रीति के लिए लिया है रोज, उसको देंगे एक सरप्राइज उसको, हालांकि अभी पता नहीं है। उसको गाइस अभी पता है नहीं कि मैं कहां गया हुआ हूं, फोन आ रहा है उनका बीच में, तो उनको देते हैं एक सरप्राइज। तो गाइस, प्रीति और शौर्य आ चुके हैं गाड़ी में, और तो आज है रोज डे, इसीलिए हम लाए हैं प्रीति के लिए रोज। ये है प्रीति को देंगे अब सर। प्रीति, हैप्पी रोज डे। थैंक यू गाइस, देख लो हमने मनाया गाड़ी में रोज डे। प्रीति आगे तो बैठी नहीं, पीछे जा बैठी, इसीलिए उसकी शक्ल आपको दिख नहीं रही होगी साफ साफ। थैंक यू। रोज डे ऐसे ही मनाते हैं हम। ये है हमारा रोज डे, कुछ स्पेशल तरीके से मनाया हमने रोज डे। मुझे गाइस याद था नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया है, भाग के गया फटाफट रोज लिया और मैं आया फटाफट लेके प्रीति के लिए रोज, और मन चुका है रोज डे। तो गाइस, अब हम सभी इकट्ठे होके जा रहे हैं काजला मंदिर। हर मंगलवार की तरह निकलेंगे काजला मंदिर के लिए और बाबे के दर्शन करके आएंगे। अभी पहुंचते हैं काजला मंदिर। तो गाइस, गणेश का आ चुकी है अपनी नानी के घर से, 4-5 दिन से इसने दर्शन नहीं दिए, अब हो गए इसके शक्ल दिखा दे, इसके दर्शन हो गए। ये देख लो, ये आ गई है, अंधेरा है ना, काले रंग की है इसीलिए दिखती नहीं है, बाकी ठीक है। तो गाइस, आ गए हैं वापस गाड़ी में, मंदिर में हो गए दर्शन, अब दर्शन कर लिए बढ़िया, और अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, मंदिर से आए हैं गेट पे,
अभी गोलगप्पे की तलाश हो रही है। गनिष्का पीहू ने खाने हैं गोलगप्पे। गनिष्का को नहीं खाने? नहीं, गनिष्का रो दिया, बताऊं क्यों? उसको उल्टी आ रही, वॉमिटिंग का तबीयत खराब हो रही है। गनिष्का की वॉमिटिंग का प्रयोग वो हो रहा है, उसको लग रहा है वॉमिटिंग आएगी। बाकी पीहू हवा मिलेगी तो ठीक हो जाएगा। तो रहे अपने डांस में, साइलेंट डांस में बिजी हो जाता है कभी कभी। अभी मैं एक चार चार झंडा खड्डा लाया, दो तो शायद से दो ईशान के मैं फ्रेंड के ले जाएगा, बाकी सब मेरे। तो गाइस मंदिर से आते हुए शौर्य ने अपना सामान कर लिया इकट्ठा, और अपने लिए भी और अपने फ्रेंड के लिए भी। देख लो इसका दिमाग, देख लो कहाँ चल रहा है। मेरे फ्रेंड ने बोला खा ले आई लो, देख लो अपने इसके फ्रेंड ने बोला। फ्रेंड्स को बहुत प्यार करता है, अपने पापा को इतना प्यार नहीं करेगा जितना फ्रेंड को करता है। चलो अभी नए नए फ्रेंड बने हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय करने दो, पापा तो कहते हैं, सही नहीं है? तो गाइस देख लो अब हमारी पार्किंग में गाड़ी आगे आके खड़ी होगी। अब गाड़ी हम कहाँ लगाएं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अपनी पार्किंग की जगह पे गाड़ी आगे आके खड़ी हो गई, आप देख ही रहे हैं। हमारी जगह सामने वैगनार के पास खाली पड़ी है पार्किंग की, और किसी ने लगा दी है गाड़ी। शौर्य गया बुलाने के लिए, मैंने काफी हॉर्न मार दिया है लेकिन मुझे लगता नहीं कोई आए। शौर्य गए, आ रहे हैं, देखो जोश में आ जाते हैं, गाड़ी हटवाते हैं फटाफट और गाड़ी लगाते हैं यहाँ पार्किंग। तो गाइस आ गए हैं घर, ये देख लो, ये एंट्री देख लो शौर्य की। फूल संभाल रहा है मम्मी का, अपनी चीज संभाल रहा है, वो देखो बच गई है। मंदिर को भी करते हैं अब दरवाजे बंद। और ये प्रीति ने आज मंगाया है कुछ, प्रीति अब दिखा रही है क्या है ये है, क्या है, क्या प्रीति समझा? अच्छा अच्छा, पीपे में से तेल निकल ले। तो गाइस प्रीति ने मंगाया है ये, इसको क्या कहें, हैंड पंप एक प्रकार का छोटा सा, आप देख ही रहे हैं। ये देखो शौर्य इसकी ट्राई करके दिखा रहा है हमारे को, ये इसने डाला बोतल के अंदर। अच्छा ये आप पीपे में से तेल निकालने के लिए आपने मंगाया है, बताया भी नहीं यार, बताया भी नहीं। हाँ उल्टा घुमाओ बेटा, उल्टा ऐसे, हाँ आ गया वो देखो। प्रीति यहाँ से भी निकल गया इसमें से, तो यार गाइस कुछ अलग ही चीज है, मुझे समझ नहीं आई क्या है ये। शौर्य चला भी ऐसे रहे कुछ, ये जो हम टीन लेके आते हैं ना ऑयल का घर पे सरसों के तेल का, उसके लिए स्पेशल मंगाया प्रीति ने, बहुत काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो बाकी यूज करेंगे तो ही पता लगेगा। तो गाइस फटाफट खाते हैं जो खाना है वो खा के, और फिर करेंगे आप एडिटिंग। टाइम हो गया 9:30 बजे आए हैं मंदिर से एडिटिंग करके, और फिर सोएंगे, सुबह डालेंगे अपना व्लॉग। गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ गाइस शेयर करना ना भूलें। शौर्य क्या बोलेगा, शौर्य गुड बाय।